भगवान के चरणों में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, योग भक्ति, पंचगुरु भक्ति से प्रणाम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरे व्रतों में गुरु को, गुरुदेव तपस्वी सम्राट को साक्षी मान करके प्रार्थना करता हूँ, यदि मेरे व्रतों में मन वचन काय की चंचलता से दोष लगे हों, लगाए हों, तो हे स्वामी प्रायश्चित ग्रहण करते हुए इस व्रत का हम आज उद्यापन कर रहे हैं और दूसरे व्रत को करने के संकल्प ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा व्रत है त्रिलोकसार। त्रिलोकसार व्रत में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम, जितनी मध्यलोक अधोलोक ऊर्ध्वलोक में जितनी कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमा जिन चैतल हैं, ये व्रत उनसे संबंध रखता है। जैसे तीनों लोकों में अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में 558, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 इतने प्रमाणातीत अकृत्रिम जिनालय हैं, तो ये व्रत इन संपूर्ण प्रतिमाओं की वंदना को सपोर्ट करता है, अनंत फलदायी है। आज इस व्रत में 41 दिन का व्रत है जिसमें 30 उपवास 11 पारणा आएंगी, जिसमें ये व्रत 5 उपवास से प्रारंभ होगा। 5 उपवास, 4 उपवास, 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास, उसके बाद फिर 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, उसके बाद फिर 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास पारणा। इस प्रकार से 41 दिन का व्रत, और मुझे लग रहा था कि नवरात्रि के समय तक 4 अक्टूबर को ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। आज पारणा करेंगे, कल के व्रत की आज धारणा करेंगे, पारणा धारणा आज ही करेंगे, ऊपर कल से 25 तारीख से यह व्रत शुरू होगा, 41 दिन तक चलेगा, 30 उपवास 11 पारणा। इस प्रकार से मैं महाराज साहब के व्रत की अनुमोदना करता हूँ, संपूर्ण साध्वियों के व्रतों की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, महाराज जियों के व्रत उपवास की अनुमोदना करता हूँ, और जो बच्चे व्रत उपवास का साधना माता का मन भी है, महाराज से ये व्रत हम भी करना चाहते हैं, हम आपको भी आशीर्वाद देते हैं। हमने कहा आपने 16 उपवास तो बहुत बार कर लिए, 10 उपवास 10 बार कर लिए, 5 उपवास भी अनेक बार कर लिए, तो आप भी इस व्रत के सहयोगी बने और हमारे सहयोगी साथ में रहेंगी साधना माता जी, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इस प्रकार से अपन इसको समापन करते हुए अत नमोस्तु पूर्वाणिक स्वादानिष्ठापन क्रियम कृत दोष निराकरणांतम पूर्वा